हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। धीरज कुमार जी हैं। तो जैसे कि मैंने 15 दिन का योगा का जो प्रोग्राम बनाया था वो ख़त्म हो चुका है, और बहुत लोग के कमेंट्स आए हैं, बहुत लोग लेडीज और हाउसवाइफ के कमेंट्स हैं और लड़कियों के कमेंट्स हैं कि आप मुझे टमी का वर्कआउट बताओ, होम वर्कआउट बताओ। तो आज से मैं होम वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिना इक्विपमेंट्स के, बिना कोई जिम के। आप कैसे होम वर्कआउट कर सकते हो? जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो जिम नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे लड़कियाँ हैं जो जिम नहीं जा सकते हैं, तो वो कैसे घर में ही फिट रह सकते हैं और सारे मसल का वर्कआउट कर सकते हैं। तो उसी पे मैं आज वर्कआउट बनाने वाला हूँ मंडे का। आज मैं मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ, हर डे का मैं बनाना तो मंडे से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज मंडे है तो मंडे को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लेग वर्कआउट। तो आज मैं लेग वर्कआउट बताने जा रहा हूँ कि लेग वर्कआउट आप कैसे कर सकते हैं घर पे, बिना कोई इक्विपमेंट के, बस घर पे जो सामान है उसको यूज करके आप होम वर्कआउट कर सकते हो आज के लेग वर्कआउट का। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे, अच्छे से कमेंट्स भी आए थे मेरा योगा पे कि मुझे बहुत बेनिफिट मिले, बहुत लोगों को बहुत बेनिफिट मिले उन्होंने किया। तो उन्होंने बताया कि वो मेरे से इंस्पायर होकर उन्होंने बताया कि होम वर्कआउट बनाने के लिए हाउसवाइफ जो है जो जिम नहीं जा सकते हैं किसी प्रॉब्लम से, या उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं जिम जाने के लिए, तो उनके लिए मैं बनाने वाला हूँ होम वर्कआउट हर एक वीक का, मंडे ट्यूजडे से लेकर सैटरडे तक वही एक्सरसाइज आपको रिपीट करना है। तो आज मंडे है, मंडे को मैं लेग का वर्कआउट बताने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट मंडे को भी आपको यही लेग वर्कआउट करना है, और नेक्स्ट मतलब हर मंडे को आपको सेम वर्कआउट करना है लेग का, वो भी घर पे, जो घर जिम नहीं जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेग वर्कआउट जो घर पे करना है बिना इक्विपमेंट्स के, और स्पेशली मैं फीमेल्स लोग के लिए बनाया हूँ जो जिम नहीं जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेग वर्कआउट। सो लेग वर्कआउट करने के लिए मैं ऐसा चीज़ यूज किया हूँ जो सभी के घर में होते हैं, जैसे कि मैं एक बैग लिया हूँ, बोतल्स लिया हूँ, ये बकेट लिया हूँ, ये मेरा प्रोटीन का बकेट है, वो आप नॉर्मल बकेट भी ले सकते हो। तो लेग का वर्कआउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग वार्म अप करेंगे। मैं वार्म अप कर चुका हूँ, क्योंकि मैं वार्म अप का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैं वार्म अप के स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ, वो आप पहले आपको वार्म अप करना है। तो मेरा वार्म अप हो चुका है, फिर वार्म अप होने के बाद हम स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्री स्क्वाट से स्टार्ट करेंगे। तो हमें करना है क्या है, आपको लेग लेना है शोल्डर वाइड, टोज को बाहर की तरफ रखना, आप देख सकते हो मेरा टोज बाहर है, ठीक है। उसके बाद आपको चेस्ट को आउट रखना है, बैक को आउट रखना है, फिर ऐसा करना है, फिर नी को आपको बाहर की तरफ करते हुए नीचे बैठना है, यानी टोज आउट, चेस्ट आउट, बैक आउट, और नी को बाहर करते हुए टोज के इक्वल में आपको नीचे जाना है, ऊपर आना है, आपको बैक आर्च रखना है, चेस्ट आउट रखना है। तो ऐसे करेंगे, आप देख सकते हो टोज आउट है, नी को आउट करते हुए बैक को आर्च रखेंगे, ये बैक को आर्च रखेंगे, चेस्ट को आउट रखेंगे, और स्लोली स्लोली नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। जब आप नीचे जाते हो तो आपको अंदर सांस लेना है, जब आप ऊपर आते हो तो आपको सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, जब आप नीचे जाते हो तो आपको सांस अंदर लेना है, जब ऊपर आते हो तो आपको सांस लेना है। तो जो बिगिनर्स हैं वो फ्री स्क्वाट्स करें, अगर उनका वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फ्री स्क्वाट्स करें। तो 15 रिपीटेशन आपको करना है, यानी 15 बार आपको करना है, 3 सेट यानी 3 टाइम्स आपको स्क्वाट्स करना है और 15 रिपीटेशन। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो एक सेट मैं कंप्लीट हो कर दिया हूँ, एक सेट कंप्लीट हो चुका है 15 रिपीटेशन का। आपको एक मिनट का रेस्ट लेना, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
अगर आप बिगिनर्स हो सिर्फ स्क्वाट्स ही करना है, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो वार्म अप ऐसे करेंगे, फिर आपको क्या करना है बैग लेंगे, बैग में बोतल डालेंगे सब पानी भरा हुआ है, वेट बढ़ाने के लिए बोतल डालेंगे, मैं दो बोतल डाल रहा हूँ, अगर जो इंटरमीडिएट हैं पहले से वर्कआउट कर रहे हैं और तो वो वेट बढ़ा के कर सकते हैं, जितना वेट बढ़ाना बैग में बोतल डाल के पानी भर के आप बढ़ा सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, बैग आपको ऐसे ले लेना है, फिर स्क्वाट्स करना है 15 रेपिटेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक सेट कंप्लीट करेंगे 15 रेपिटेशन का, फिर रेस्ट करेंगे 1 मिनट या 2 मिनट आप रेस्ट कर सकते हो, अगर ज्यादा हैवी लोड आप बढ़ाते हो तो 2 मिनट रेस्ट कर सकते हो, तो रेस्ट लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग वेट डाल सकते हो इसमें, अगर आप और ज्यादा हैवी करना है तो आप पानी को बोतल भर के और बैग में डाल के आप हैवी कर सकते हो, या कोई भी चीज आप हैवी डाल सकते हो। अगर जो बिगिनर है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो फ्री स्क्वाट करें बिना बैग को लेके करें, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्योंकि लेग में पेन हो सकती है फर्स्ट टाइम। तो ये था बैक स्क्वाट्स, मतलब बैक को पीछे लेके कर रहे हैं तो वो बैक स्क्वाट्स हुआ। 15 रेपिटेशन के 3 सेट्स करना है, यानी 3 बार आपको करना है 15-15 रेपिटेशन के। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रंट स्क्वाट्स, मतलब बैक को आगे की तरफ लेंगे। बैक को इस तरह लेंगे, ऐसे करेंगे। अब मैं पोस्चर देख सकते हो, मैं बैक आर्च रहता है, चेस्ट आउट रहता है। फिर आपको 15 रेपिटेशन करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एक सेट कंप्लीट करने के बाद आपको 1-2 मिनट का रेस्ट लेना है। ये था मेरा सेकेंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज बैक स्क्वाट्स था, सेकेंड एक्सरसाइज फ्रंट स्क्वाट्स। अगर जो बिगिनर है फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो इसे ना करें, बस स्क्वाट्स करें। तो बैक स्क्वाट्स के लेने थे 3 सेट 15 रेपिटेशन के, सेकेंड एक्सरसाइज फ्रंट स्क्वाट्स के 3 सेट लेने 15-15 रेपिटेशन के, फिर आपको रेस्ट करना है हर सेट के बीच में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियो आए और आपको नोटिफिकेशन आए। तो ये मैं स्पेशल हाउसवाइफ के लिए बना रहा हूँ, या फिर जो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं, बजट की प्रॉब्लम हो या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये है। बहुत सारी लड़कियाँ भी है जो अभी स्कूल में पढ़ती हैं, वो भी फिट होना चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, उनके लिए भी ये वर्कआउट है। जो होम वर्कआउट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वर्कआउट है। और आज मंडे का मैं बनाया हूँ,
मंडे का मैं बनाया हूँ लेग वर्कआउट, इसी तरह मैं हर डे का बनाते रहूंगा। आज मंडे को लेग वर्कआउट बना रहा हूँ, तो हर मंडे को आपको लेग वर्कआउट करना है। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लंजेज। बैग आपको लेना है और एक स्टेप आगे आना है, फिर नीचे की तरफ जाना है, फिर पीछे आना, फिर नीचे की तरफ जाना है, फिर पीछे आना। ये आपको 15 रेपिटेशन नहीं करना है, आपको 10-10 करना है या 5-5 करना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ एक्सरसाइज है। तो स्टार्टिंग है तो 5-5 करेंगे, जैसे जैसे आपकी स्टेमिना बढ़ती है आप रेपिटेशन बढ़ाते जाना। तो 5 करते हैं, 1, 2, 3, आपको नीचे बैलेंस करते हुए जाना है, 4, 5, अब नेक्स्ट लेग से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5-5 रेपिटेशन आपको दोनों लेग से करना है, एक सेट कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको रेस्ट लेना है। ये थर्ड एक्सरसाइज है लंजेस। आपको 1 से 2 मिनट रेस्ट लेना है, क्योंकि लेग थोड़ा टफ एक्सरसाइज है, तो 1 से 2 मिनट आप रेस्ट ले सकते हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज था हमारा बैक स्क्वाट्स, सेकेंड था फ्रंट स्क्वाट्स, और ये था लंजेस, और अब हम करेंगे रिवर्स लंजेस। रिवर्स लंजेस करने के लिए फिर से हम बैग लेंगे, एक लेग को आपको आगे तरफ रखना है, एक लेग को ऐसे आप किसी चीज पे रख सकते हो जो आपके घर में हो, ऐसे करना है, चेस्ट आउट बैक आउट, स्लोली स्लोली नीचे जाना है, ऊपर आना है। ये भी 5 रिपीटेशन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट लेग से करेंगे, राइट लेग से, वन टू थ्री फोर फाइव। ये 5-5 का आपको 3 सेट्स करने हैं, और 1 मिनट का रेस्ट लेना है, 1 सेट कंप्लीट करने के बाद 1 मिनट का रेस्ट लेंगे। अगर आपके पास ऐसा कुछ चीज नहीं है जो आप ऐसे रख ना पाओ, तो आपको क्या करना है, पैर को पीछे ले जाना है, फिट करना है। अगर आपके पास है ऐसा चीज जो आप रख सको, तो आप इस पे करो, ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो ये था मेरा 4th एक्सरसाइज रिवर्स लंजेस, और फिर आप करेंगे 5th एक्सरसाइज। एक बकेट ले लेंगे, लेग को वाइप करेंगे, इसे बोलते हैं सोमो स्क्वाट्स, चेस्ट आउट रखेंगे और 15 रेपिटेशन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये था पहला सेट सोमो स्क्वाट्स का,
जो 15 रिपिटेशन किया, दो सेट और करना आपको 15 रिपिटेशन, ब्रेक ब्रेक लेके एक मिनट का। अगर आप और नीचे जाना चाहते हो, रेंज ऑफ मोशन और नीचे ले जाना चाहते हो, तो आपको बकेट को ऐसे पकड़ना है और ये रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी और नीचे तक आप जा सकते हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो 15 रिपिटेशन। तो ये मेरा पांचवा एक्सरसाइज था। और अब करते हैं छठा एक्सरसाइज, जो काफ मसल के लिए है, ये जो होती है काफ मसल के लिए, उसके लिए करेंगे। तो बैक को आपको ले लेना है, आप किसी चीज से सपोर्ट ले सकते हो, आपको सपोर्ट लेना है और अपने हील को पूरा ऊपर करना है, फिर नीचे करना है। 15 रिपिटेशन करेंगे हर सेट से, 3 सेट्स करेंगे, यानी 3 बार करेंगे 15-15 रिपिटेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसे बोलते हैं स्टैंडिंग का फ्रेज, जो हमारा सिक्स एक्सरसाइज है। इसे आप 15 रिपिटेशन करना है, हील को आपको पूरा ऊपर ले जाना है, फिर नीचे आना है, आपको 3 सेट करना है 15-15 रिपिटेशन के। तो आज का लास्ट एक्सरसाइज है जो हम लोग का, वो हिप मसल के लिए है, ग्लूट्स मसल के लिए। तो जिनके हिप्स सही नहीं है, मतलब सेट में नहीं है, उनके लिए है। जो लास्ट एक्सरसाइज है, 7th एक्सरसाइज है, जिसको बोलते हैं हिप थ्रस्ट। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे करना है। अगर आप बिगिनर को फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको बिना वेट का करना है। नीचे सो जाना है आपको, फिर हिप को ऊपर ले जाना है, फिर स्लोली स्लोली नीचे लाना है, फ्लोर पे टच करना है, फिर तो ऊपर ले जाना है। तो इसके करेंगे 15 रिपिटेशन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। वैसे आपको 15 रिपिटेशन करना है हर सेट में, 3 सेट्स आपको करना है। और अगर आप थोड़ा एडवांस और थोड़ा वेट लेके करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, बैक को ले लेना अपने वेस्ट पे, अपने कमर पे करना है। 1, 2, 3, 4, ऐसे आपको 15 रिपिटेशन करना है। और तो ये था मेरा लास्ट एक्सरसाइज, जो लेग आज का लेग वर्कआउट है। तो आप प्लीज इसको फॉलो करें और मुझे बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा। और सारे एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा स्ट्रेचिंग कर देंगे लेग का, ताकि पेन कम हो। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए नी को स्ट्रेट रखेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे, आपको 1 मिनट तक ऐसे होल्ड रहना है, या फिर आप ज्यादा भी रह सकते हो। फिर आप क्वाड्रिसेप्स मसल का स्ट्रेच करेंगे, पैर को ऊपर की तरफ लेंगे, 1 मिनट तक आपको ऐसे होल्ड रहना है। एक मिनट तक होल्ड रहना है, फिर नेक्स्ट लेग को करेंगे।
अब काफ मसल को स्ट्रेच करेंगे, पैर को ऐसे रखेंगे और पैर को आगे की तरफ ले जाके स्ट्रेच करेंगे। एक मिनट तक आपको ऐसे होल्ड रखना है। फिर नेक्स्ट लेग को करेंगे। इस तरह से लेग का आपको स्ट्रेच करना है। ये अभी मैं नॉर्मल स्ट्रेचिंग बताया हूँ, मैं फुल स्ट्रेच बताऊंगा लेग का स्ट्रेच कैसे करते हैं, चेस्ट का कैसे करते हैं, सारे मसल का मैं स्ट्रेचिंग बताऊंगा। उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये था मंडे का लेग वर्कआउट। प्लीज़ आप लोग फॉलो करें, जो हाउस वाइफ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो जिम नहीं जा सकते हैं, या अभी जो भी हैं बॉयज हैं, हाउस वाइफ हैं, ये गर्ल हैं, जो जिम नहीं जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या फिर बजट के प्रॉब्लम से नहीं जा सकते हैं, तो इसे ट्राई करें, घर पे करें। तो ये था हमारा आज का लेग का वर्कआउट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए, ये था हमारा लेग का वर्कआउट, जो बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था कि मुझे होम वर्कआउट बना के आप, तो मुझसे इंस्पायर होकर उन्होंने बोला था, तो मैं उनके लिए मंडे का लेग वर्कआउट बनाया हूँ। हर मंडे को आपको यही सेम एक्सरसाइज करना है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।